अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक पनीर, जिसके लिए मैंने यहाँ पालक साफ़ करके ले लिया है आधा किलो इतना। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ये पालक डाल देंगे स्पिनिच करने के लिए, जिससे कि इसका कलर ऐसा कैसा ही बना रहा है, ऐसा कैसा इसका कलर बना रहेगा। और इसको निकाल करके हम जस्ट फ्रिज के पानी में डाल देंगे 2 मिनट के लिए, हमें इसे स्पिनिच करना है जिससे कि इसका कलर ऐसा ही रह जाए, कलर चेंज नहीं होता। कि ये स्पिनिच हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। हम इसको पानी निधार कर निकाल लेंगे और ये ठंडे बर्फ़ के पानी में हम इसको डाल देंगे, या फिर मटके के पानी में भी डाल सकते हैं आप। मैंने मटके के पानी में डाला है क्योंकि इस मौसम में मैं फ्रिज में पानी नहीं रखती। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, 2 तेज़पान के पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के, कटा हुआ प्याज, इसको हल्का गोल्डन होने देंगे हम। ये देखिए प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि पालक का कुछ टेस्ट नहीं होता, उसमें लहसुन का ही टेस्ट आता है। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसमें पनीर मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, पालक की प्यूरी के बाद में भी, अगर आपको कच्चा पसंद है तो। हमारे यहाँ पे सबको फ्राइड ही पसंद आता है। ये देखिए हम इसमें 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर डाल रहे हैं। ये देखिए ये हमारा सब कुछ फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें पालक डाल रहे हैं। मैंने इसे 1 चम्मच ऑयल में बनाया है, आपको अगर बटर या घी ज़्यादा पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो उसमें। अब हम इसको नेट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमने ऐड कर दिया, अगर आपको ज़्यादा घी या बटर चाहिए तो आप मिक्स कर सकते हैं, और हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये हम इसमें पानी डाल रहे हैं आधा गिलास इतना, जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट और ये देखिए बस हम इसे 1 उबाले तक पकाएंगे। नमक मैंने इसमें स्वाद के अनुसार डाला है, मैंने यहाँ टेस्ट करा है थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसमें नमक और डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने आधा चम्मच नमक डाला था, आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पालक पनीर तैयार है, कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है ये। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाली आ चुकी है, खटके आ चुकी है, अब हम इसको उतार देंगे। देखिए इसके 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट में कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अगर आपको ज़्यादा घी या बटर पसंद है तो आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे इसमें ज्वार की रोटी। ये देखिए हमने ज्वार के आटे में 1 चम्मच नमक मिला लिया, 1 किलो इतना आटा है, अब हम इसको मिक्स कर करके रोटी। इस तरीके से मिक्स करके हम इसका आटा गूंदेंगे एक साइड से।
अच्छा होता दोनों टाइप। और इसको भूख भी लग गई है, ऐसा क्यों कर दिया? मेरे पास ही का पे तो पड़ा था हाथ में पट्टी नहीं पट्टी थी। ये हमारा खाना बनकर रेडी है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।